नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी और स्वागत है आपको हमारी नया एपिसोड पे। दोस्तों, आज हम आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आ चुके हैं पश्चिम बंगाल की हुगली जिले की खानाकुल मुकाम की जय जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज पे। चलिए अभी हम इस जय जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज की कर्मचारी रंजन कुमार प्रसाद जी से बात करेंगे और उनसे जान लेंगे आज इस खानाकुल मुकाम पे आलू का क्या रेट है, खानाकुल मुकाम की हिमघरों से टोटल कितना पैकेट आलू रिलीज हो चुकी है तथा पश्चिम बंगाल की हुगली जिले की खानाकुल मुकाम की आलू के बारे में सभी जानकारियां। दर्शक, इस वीडियो को शेयर कीजिए आलू संपर्कित सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में। बंगाल की आलू का हर खबर, पक्की खबर, हर वक्त हर रोज हिंदी भाषा में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रही घंटी को जोर से दबा दीजिए। और हाँ, पश्चिम बंगाल तथा सारे भारत वर्ष की आलू का मार्केट प्राइस रेगुलर देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए इंडिया पोटैटो मार्केट रेट ऐप। दादा नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रंजन कुमार प्रसाद है। आपका परिचय? मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। इस कोल्ड स्टोरेज के स्टाफ हूँ। हाँ हाँ। तो आपकी इस कोल्ड स्टोर में दादा आज आलू का क्या रेट है, ज्योति का, रेडी का? यहाँ पर आलू का ज्योति का रेट है 660 रुपया पर पैकेट, पर 50 किलो। हाँ, पर 50 किलो का। ओके। और बॉन्ड, ज्योति की बॉन्ड? 480। बॉन्ड का दाम है 480 रुपया, पेपर का दाम है, पेपर का दाम पर पैकेट। हाँ हाँ, पर पैकेट। ज्योति को छोड़ के बाकी और कौन सी प्रजाति के आलू आपके यहाँ मिलते हैं गोल्ड में? हिमांगनी चंद्रमुखी S1। यहाँ पर हिमांगनी चंद्रमुखी S1 सब वेराइटी का आलू यहाँ मिलता है। ओके। बाकी आलू का भी रेट बता दीजिए हमें पर पैकेट का। हिमांगनी 10% बेसी, हिमांगनी ज्योति से 10 रुपया पैकेट पर ज्यादा है, S1 पर पैकेट पर 60 रुपये कम है। चंद्रमुखी लो क्वालिटी रहेगा ना, इसमें मोटामोटी 880 क्विंटल पैकेट 880। चंद्रमुखी का यहाँ दाम है 880 रुपये पर पैकेट 50 केजी। ओके। तो आज सिर्फ आज आपकी स्पोर्ट्स स्टोरेज से कितना पैकेट आलू रिलीज हो रही है दादा? 2400। यहाँ पर आज 3600 पैकेट, 2400 पैकेट, 2400 पैकेट आलू आज आपके घर से कोशोर से रिलीज हो रही है। अच्छा, ये ज्योति आलू का सैंपल है। बढ़िया क्वालिटी है ना? बढ़िया क्वालिटी है। लोकल का ही आलू है? हाँ, लोकल का ही लोकल की। अच्छा, यहाँ पे आपकी कोशोर में इस साल बाहर से आलू आया था क्या? नहीं, यहाँ सब बाहर से आलू नहीं आया था, सब यहाँ लोकल का ही आलू है। और अभी हालांकि दिनों पे यूपी या फिर पश्चिम बंगाल से आलू आ रहा है खानाकुल में? ना ना ना, खानाकुल में कहीं बाहर से आलू नहीं आ रहा है, यहीं का लोकल का सब आलू है। इस कोल्ड स्टोर में आलू रखने की कैपेसिटी कितनी पैकेट की है दादा? यहाँ पर कैपेसिटी अप्रोक्स 480 के करीब करीब है। ओके। इस साल कितना लोड हुआ है? 5,000 रुपए की पड़ती है। और करीब करीब वही 5,00,000 के करीब लोड हुआ। ओके। कल तक कितना रिलीज हुआ होगा परसेंटेज? 170,000 पैकेट। यहाँ पर करीब करीब 170,000 पैकेट 33% रिलीज हुआ है, और परसेंटेज में 33.5% तक होगा। ओके। इधर क्या किसान की आलू ज्यादा रखी जाती है या व्यापारी लोगों का? 70% किसान। यहाँ पर 70% करीब करीब किसान का आलू रखा जाता है और 30% व्यापारी का आलू रखा जाता है। ज्यादातर ही किसान का? ज्यादातर ही किसान का आलू है। अभी हालांकि दिनों पे मतलब पिछले कई दिनों पे आलू का रेट यहाँ पे हाई हुआ या डाउन हुआ है? यहाँ पर पिछले दिनों के हिसाब से यहाँ रेट डाउन हुआ है। ओके। आने वाले अगले एक या दो हफ्ते में आलू की भाव बढ़ने की कोई चांसेस है यहाँ पे? कोई चांस नहीं है, यहाँ देख कर तो लग रहा है कोई चांस नहीं है। ओके। कल से यहाँ पे मार्केट कितना डाउन हुआ है ज्योति का? यहाँ से करीब करीब पर पैकेट 10 रुपया बॉन्ड पर डाउन हुआ है। पर पैकेट बॉन्ड पे डाउन हुआ है? हाँ, 10 रुपया रेडी पर नहीं डाउन हुआ? ना, बॉन्ड पर नहीं, रेडी पर डाउन हुआ है। ओके ओके ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे इंडिया पोटैटो हिंदी की ओर से आपकी खानाकुल मुकाम की आलू के बारे में तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अच्छा, मैं लास्ट एक प्रश्न में कर लूंगा, खानाकुल में सिर्फ एक ही कोल्ड स्टोर है या फिर और एक? खानाकुल में अभी तो फिलहाल एक ही कोल्ड स्टोर है, एक कोल्ड स्टोर है लेकिन वो नहीं चल रहा है, बंद है। आपकी इधर का नहीं है? ना, बाजू ना, नहीं है, नहीं है। ओके ओके ओके। धन्यवाद दादा। धन्यवाद।